सो हे गाइस वेलकम बैक। तो मैं पता चलो काफी दिनों से आप सभी के कमेंट्स और डीएम आ रहे थे कि भाई ये जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है, हमारा वर्बल एबिलिटी है, इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं डीयू जेट के एग्जाम के लिए। रिक्वायर हम सब जानते हैं, हमारे डीयू जेट में चार सेक्शन आते हैं, क्वांट्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का और एक वर्बल एबिलिटी का। तो यार हम सब जानते हैं कि जो हमारे क्वांट्स का सेक्शन है और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है वो हमारा, हम जानते हैं अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन उसी में से आएगा, चाहे वो आपके क्वांट्स में हायर मैथ्स और लोअर मैथ्स हो, चाहे वो आपके लॉजिकल रीजनिंग में सारे टॉपिक्स हो, उनको अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको बताइए क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। बट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की और हमारे वर्बल एबिलिटी की, तो एज सच ये डिफाइन नहीं होता कि यार कौन सी चीज आपको कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अब देखो जनरल अवेयरनेस का मैं हर चीज आपको बता चुका हूँ, चाहे वो आपके तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका करंट अफेयर्स, एक आपका बिजनेस अवेयरनेस और एक आपका स्टैटिक जीके। अब करंट अफेयर्स पे और बिजनेस अवेयरनेस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे सीरीज चल रही है, तो उससे आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, और भी चीजें आपको बता चुका हूँ कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बट अगर बात करें हम इंग्लिश के सेक्शन की, वर्बल एबिलिटी की, तो वो आपको कैसे कवर करना है वो मैं आपको दूंगा आज की वीडियो में। देखो यार हमें ये पता था, देखो इस सेक्शन में आपके जो है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, बट हमें ये नहीं पता था कौन से आएंगे, क्योंकि देखो यार इसमें जो होता है बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है, बहुत सारे एंटोनिम होते हैं, बहुत साइनोनिम्स होते हैं, बहुत वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये सेक्शन कवर कर सकते हो। सो आज यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि कैसे आप अपने वर्बल एबिलिटी को कवर कर सकते हो डीयू जेट एग्जाम के लिए। So, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, अभी प्रेस कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो यार देखो वीए के सेक्शन को कवर करने के लिए आपको नंबर वन स्टेप है वो है बुक। तो कौन सी बुक है वो है आपकी, आई एम प्रीटी मच श्योर आपके पास होगी, वो है अरिहंत बीएमएस गाइड। एंड ये बुक मैं ऑलरेडी आपको अपनी डीयू जेट स्ट्रेटेजी में बता चुका हूं। एंड देखो यार ये एक ऑल इन वन बुक है जिसमें आपके डीयू जेट को करेक्ट करने के लिए सफिशियंट मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसी बुक के इंडेक्स में, तो यहां पर हमारे को देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे वीए के लिए मिल जाएंगे, जो है हमारा साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आपके पास कोई और भी बुक है जिसमें आपको ये मटेरियल मिल रहा है तो वो भी बहुत ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो यार ये आपको इस बुक से प्रिपेयर कर लेना, आपको जो भी बुक आपके पास है तो उनमें से आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है। एंड ये आपको एक्स्ट्रा फोकस के थ्रू ये चीजें करनी है, बिकॉज देखो यार ये बहुत ही वाइड टॉपिक होता है एंड आपको जितनी आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप चीजें सीखोगे उन्हीं से आप ये क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन आप टॉपिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस दो एंड इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। अब ये हमारा स्टेप वन हो गया, ठीक है ना। अब ये जब आपने कर लिया, देखो इसके बाद आपको यार अगर कोई मुझे कहेगा कि भाई मुझे और एडवांस करनी है, इसमें इतना नहीं था, मुझे एक्स्ट्रा करनी है कि एग्जाम से भी अच्छी मुझे प्रिपेयर करनी है अपने इंग्लिश सेक्शन को, तो उसके लिए जो एक बेस्ट बुक है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए, वो है वर्ड पावर मेड इजी। तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी एक कहते हैं इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी ये हो सकती है, बट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो, देखो आपकी अरिहंत बीएमएस गाइड में सफिशियंट मटेरियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल अगर आप चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बिल्ड करना, तो आप वर्ड पावर मेड इजी एक बुक होती है, तो उसको भी आप परचेज करके अपनी जो है प्रिपरेशन उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये चीज होगा हमारा दूसरा स्टेप। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा एक यूनिवर्सल जो मेथड है वो है हमारा डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर विद नोट्स। एंड यार देखो मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, बहुत बता चुका हूं कि यार देखो आपके जो इंग्लिश की न्यूज़पेपर है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स के लिए हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल अवेयरनेस के लिए हो, या फिर वो आपके इंग्लिश के लिए हो। क्योंकि देखो यार इंग्लिश में आपको करना, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है रोज आपको, एंड अपनी एक नोट्स की एक बुक बना लो, ठीक है ना। अब आप वो चाहे नोटबुक बना लो प्रॉपर सी, एंड उसमें आप पता है क्या करना है, आपको रोज अपना एक न्यूज़पेपर लेना है इंग्लिश का, एंड उसमें आपके सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड साथ ही साथ में आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो आपको नहीं पता, एंड उन वर्ड्स को आपको नोट कर लेना है, एंड साथ में उन्हीं वर्ड्स का आपको एंटोनिम और साइनोनिम लिख के वहां पे नोट करके रख लेना है। अभी क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आप रोज के मिनिमम 20 वर्ड भी करते हो ना, देखो आप रोज नए 20 वर्ड सीख रहे हो, तो आपके 10 दिन में 200 वर्ड्स, एंड आपके वो ही देखा जाए तो 30 दिन में, एक महीने में आपके 600 वर्ड आप नए सीख लोगे। देखो कितना आप आज थे और कितना आप 30 दिन बाद होगे, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, एंड आपकी काफी वोकैबुलरी बिल्ट हो जाएगी।
अब देखो कई बार होगा, जैसे कई बार आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे, अपनी वोकैबुलरी आपकी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आपको आगे हो सकता है वर्ड्स ना मिले, क्योंकि आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, तो वो ही आपका बेस्ट डे होगा। अब देखो आपका क्या जरूरी है, देखो आपको हर एक वर्ड को नोट करना है, लेकिन साथ में आपको उसी वर्ड का गूगल करके एंटोनिम और साइनोनिम भी नोट करके रखना है, क्योंकि देखो आपकी जो ड्यू जेट में अधिकतर क्वेश्चन आपके एंटोनिम और साइनोनिम के लिए ही आते हैं, एंड आपके वन वर्ड्स हो गए, आपके फ्रेजेस हो गए, आइडिया वो आपके आइडियम्स हो गए, उन्हीं के लिए आपके आते हैं, तो वो सब आपको इन्हीं चीजों से प्रॉपरली सीखने में आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल, एक कह सकते हैं मेथड है आपकी वोकैबुलरी और आपके वीए के सेक्शन को कवर करने के लिए, ठीक है ना। देखो यार ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए और आप आराम से बैठ गए कुछ नहीं करना, देखो यार आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली एंड उन नोट्स को रात को बैठ के रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठना है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें से आपको वर्ड्स मिनिमम 20 वर्ड्स आपको नोट कर लेने हैं एंड उनके आपको गूगल करके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स नोट कर लेने हैं, एंड उसके बाद आपको उसी दिन रात को बैठ के उन सारे ही वर्ड्स को रिवाइज करना है, तभी वो आपके लिए एक वर्थ होगा। अगर आप खाली नोट करके छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा यार उसका। एंड देखो यार आप सोचो, खुद ही सोचो कि अगर आप रोज के 20 वर्ड्स भी नोट करते हो मिनिमम, तो आपके एक महीने में अराउंड 600 वर्ड आप नए सीख लोगे। एंड सोचो यार ये आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ, ये आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें काम करेगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो देखो इसका बहुत ही फायदा है एंड ये आप जरूर एक महीने तो मिनिमम ट्राई करो, ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल एंड बेस्ट मेथड है आपके वीए के सेक्शन को कवर करने का। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी एप्स लाइक वोकैब 24 या फिर वोकैबुलरी बिल्डर, ठीक है। देखो यार हम दिन में कितनी बार फोन यूज करते हैं, कितने एप्स यूज करते हैं, लेकिन कितना हम यूज करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत ही कम करते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक या दो ऐप है डाउनलोड करके रख लो आप, वोकैब 24, वोकैबुलरी बिल्डर। तो इससे आप ना रोज ये एक तरीके से गेम्स के तरीके से आप खेल के आप देख सकते हो कि वोकैबुलरी आपकी कितनी बिल्ड हो जाएगी, आपको रोज नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा एंड जो एप्स आपको इंटरेक्ट कराते हैं ना इन चीजों से, उनसे आप बहुत जल्दी चीजें सीख लेते हो। तो आपको इन एप्स को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है एंड इसके थ्रू भी आप अपनी है जो है वोकैबुलरी अच्छी खासी बिल्ड कर सकते हो, एंड यही एक कह सकते हैं बेस्ट मेथड है आपकी वोकैबुलरी और आपके वीए सेक्शन को कवर करने के लिए। अब ये बात हमारी हो चुकी है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के लिए। अब बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। देखो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी भी मन में ये थॉट मत लाना कि यार हमने 12th तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे हैं तो हम इजीली कर पाएंगे, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप की जो एग्जाम जो आपके 12th के थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके ड्यू जेट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा फर्क होगा, एंड आपको यार जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका एक तो टाइम बाउंड है, आपको मिनिमम उसी टाइम में आपको ये क्वेश्चन करना है, कहीं ये ना हो कि आप इसी में लगे रहो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एंड आपका बाकी का पेपर छूट ही जाए, तो ये नहीं करना। इसलिए आपको मैं कहूंगा मिनिमम आप यार हफ्ते में 2 या 3 दिन तो अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक आपका एक्सपेंड होगा कि कैसे आप इजिली फाइंड कर सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये चीज एंड यार बहुत गलती कर देते हैं इसी चीज में कि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैंने भी करी थी ये चीज, मैंने गलती से इसकी प्रैक्टिस करी नहीं थी, तो ये चीज आप मत करना। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है एंड उसी से आपकी एग्जाम के टाइम पे एक तो हाथ अच्छा हो जाएगा आपका, इजिली आप बहुत ही कम टाइम में ये सेक्शन कवर कर दोगे, एंड ये यार बहुत स्कोरिंग होता है आपका कि आपको कुछ भी ये नहीं है कि आपको बहुत पढ़ाई करी होनी हो तभी आप इसको कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सब कुछ आपके पास होता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाना सीख जाओगे इसमें तो बहुत ही इजीली आप ये सेक्शन कवर कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो ये कुछ ट्रिक्स है जो आप अपना सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, एक महीने तक करके देखो यार बहुत फर्क पड़ेगा आपको, एंड ये ही कह सकते हो कि इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना। अगर आप ये ही चीजें अच्छे से कर लोगे ना यार देखो आप इजीली अपना जो है वीए का सेक्शन कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट डेली बेसिस पे ये चीज आपको फॉलो करनी है, ये मत करना कि आज हमने फॉलो किया कल फॉलो किया उसके बाद आप भूल गए कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा मत करो यार। इसको मिनिमम एक महीने तक ट्राई करो एंड आपके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से अपना जो वीए का सेक्शन है कवर कर लोगे, एंड ये ही एक ओनली एंड द बेस्ट मेथड है आपके ड्यू जेट के वीए सेक्शन को कवर करने के लिए। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।